हेलो फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे कि जो मॉड्यूल शीट होती है, मॉड्यूल शीट होते हैं, वो कैसे असेंबल किए जाते हैं और उसकी कैसे पहचान की जाती है शीट की कि कितने मॉड्यूल की है। दोस्तों, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक कर्व है, दो कर्व है, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो ये हमारा 12 मॉड्यूल की है। एक मॉड्यूल हमारा ये होता है, एक के अंदर हमारा एक ये जो कर्व होता है, ये बना होता है, जो इसका लोक है, वो हमारा एक मॉड्यूल होता है। जैसे कि एक ये स्विच हमारा एक मॉड्यूल का है, और जो हमारी ये सॉकेट है, ये हमारी 2 मॉड्यूल की है। जैसे कि इसके अंदर ये दो बने हुए हैं लोक, तो ये 2 मॉड्यूल की हुआ है। और जैसे कि हमारे फैन रेगुलेटर है, ये हमारा डबल मतलब कि 2 मॉड्यूल का है, एक इसके अंदर एक इसके अंदर। दोस्तों, ये सिंगल मॉड्यूल में भी आता है और डबल में भी, तो ये हमारा डबल है। तो इसको कैसे असेंबल करेंगे? सबसे पहले हम फैन रेगुलेटर को करेंगे। फैन रेगुलेटर हमारा जैसे कि यहाँ पे आ गया, इसको देख लेंगे। जैसे कि ऐसे सीधी लगेगी ऐसे इसकी, और उसके बाद इसकी इसको ऐसे डाल के इसको प्रेस कर देना, ठीक है। और उसके बाद ये सॉकेट में, दोस्तों मैंने ये ENP इसलिए लिखा है कि ये आपको पता लग जाएगी, ये हमारा टर्मिनल अर्थिंग का होता है, और ये न्यूट्रल, और ये फेज का होता है। बकायदा ये इसके पीछे भी टर्मिनल पे लिखा होता है, आप देख सकते हैं वहां पे। इसको ऐसे लगा के इसको प्रेस कर देना है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद हमारे इसका स्विच आएगा। स्विच यहाँ पे ये एक मार्क किया होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मार्क मिलेगा आपको। और आप अगर आपको मार्क ना मिले, तो पीछे से आप इसकी नंबरिंग को चेक करके इसको इस तरह से लगा सकते हैं, सीधा, कोई उल्टा ना। सबको ऐसे ही लगा देना है आपको, इसकी नंबरिंग को देख, और पीछे टर्मिनल्स को भी देख लीजिए, ये ऊपर है, ऊपर है, ऐसे ही हम इसकी सुपर तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक इंडिकेटर है। आपको पता है कि बोर्ड के अंदर एक इंडिकेटर होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारा बोर्ड के अंदर सप्लाई है या नहीं है। तो ये भी एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल का है ये भी, तो इसको हम यहाँ पे अलग इंस्टॉल कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये आजकल बहुत ही ईजी हो गया है सिस्टम। पहले तो बहुत सारे बोर्ड की कटिंग करनी पड़ती थी, ड्रिल करने पड़ते थे होल, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन आजकल कुछ टाइम नहीं लगता, बहुत इजीली ये माउंट हो जाते हैं। और ये इसी जो है वो इसकी बाउंड्री केसिंग है, इसको हम इसको ऐसे चारों तरफ लगा के इसको प्रेस कर देना है, दबा देना है, और ये इंस्टॉल हो जाएगी, असेंबल हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम इसको फिट कर सकते हैं, आपने यहाँ पे देख लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।